सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड करा था, वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को किस तरीके से आपको ट्रॉनलिंग प्रो से ट्रॉन को अपने कॉइन स्विच एक्सचेंजर पे लाना है, एंड उसके बाद उसको किस तरीके से सेल करके आपको जो है INR पे अपने बैंक विड्रो लेना है। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे वो वीडियो को फॉलो करके विड्रो किए एंड हर किसी के वहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं, और ऐसे में बहुत अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी मिला वो वीडियो से। तो बहुत सारे लोग अभी भी है जो विड्रो नहीं किए, क्योंकि वो जो है एक्सचेंजर में वो वजीरेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, विड्रो वगैरह करने के लिए, ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए। तो ऐसे में उन्होंने अभी तक विड्रो नहीं किया है। तो आज की ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी तक विड्रो नहीं किया है, और जो लोग वजीरेक्स एक्सचेंजर से विड्रो करना चाहता है। तो इस वीडियो पे मैं आप लोग कंप्लीट लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रॉनलिंक प्रो से ट्रॉन को वजीरेक्स एक्सचेंजर पे लाना है, उसके बाद उसको किस तरीके से सेल करके आपको INR पे अपने बैंक अकाउंट पर विड्रो लेना है। तो जो भी प्रोसेस होगा लाइव बिल्कुल होने वाला है, एंड ये वीडियो का एंड पे मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा एक्सचेंजर यूज़ करना बेटर रहेगा विड्रो करने के लिए OSM सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से, ठीक है। एंड जो लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी विड्रो कर चुके हैं वो लोग भी ये वीडियो को सही तरीके से फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको भी जो और बेटर तरीके से नॉलेज आ जाए विड्रो रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए आज का इस इंपॉर्टेंट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रॉनलिंक प्रो से वजीरेक्स के माध्यम से बैंक विड्रो तक का प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको OSM सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से ट्रॉनलिंक प्रो पर किस तरीके से विड्रो करना है नहीं पता है, तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको विड्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना ट्रॉनलिंक प्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे दिख रहा है माई का ऑप्शन, माई पर आपको क्लिक कर देना है, एंड देन आपको यहाँ पर पब्लिक अकाउंट मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपने एक से ज़्यादा वॉलेट क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपने एक ही किया होगा तो एक ही वॉलेट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। एक से ज़्यादा वॉलेट क्यों क्रिएट करते हैं, अगर आपको सपोज आपने डाउनलाइन के भी विड्रो लेना है, उनको अगर नॉलेज नहीं है, तो आप उसके लिए एक से ज़्यादा वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और वो वॉलेट पर आप उनके विड्रो ले सकते। तो वो वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे पहले आपको कौन से वॉलेट से ट्रॉन लेना है वो वॉलेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सपोज़ मेरे इसमें ट्रॉन है तो मैं ये वॉलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए एनर्जी और बैंडविड्थ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों चाहिए होता है ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो एनर्जी पे आप देख सकते हो 0 है लेकिन बैंडविड्थ है, तो आपको एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज़ कराना पड़ेगा, इसलिए एनर्जी पे आपको क्लिक करना है इंक्रीज़ करने के लिए। और यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप 1-2 ट्रॉन का एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। फ्रिज पर ही रहने देना है, एनर्जी पर ही रहने देना है, और यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना है, फ्रिज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ट्रॉन का 33 एनर्जी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको फ्रिज नाउ पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे 1 TRX से एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, बाकी आप 2-3 से करा लेना तो कुछ ट्रांजेक्शन आप इजिली कर पाओगे। तो फ्रिज नाउ पे क्लिक करना है, पासवर्ड देकर के डन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो चुका है। अभी आप बैक करोगे तो यहाँ पे जहाँ पे 0 एनर्जी था वहाँ पे आप देख सकते हैं 32 एनर्जी आ चुका है, ठीक है। अभी आप कोई सा भी कॉइन स्विच से भी करते हो तो आप एनर्जी अगर 0 है तो आप एनर्जी पहले इंक्रीज करा लेना, उसके बाद ही आप विड्रो करना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी विड्रो जो है एनर्जी भी आ चुका है, बैंडविड्थ भी है। अभी आपको पहले करना क्या, देखना है आपको TRX पे मिला है क्या नहीं आपको विड्रो। अगर TRX पे मिलता है सेम प्रोसेस आप फॉलो करिए, अगर आपको USDT पे मिलता है तो आपको उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, तो कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा। अगर TRX पे दिख रहा है मेरे जैसा, TRX पे क्लिक करेंगे सिंपली, यहाँ पे सेंड बटन आपको दिख रहा है सबसे नीचे, तो सेंड बटन पे क्लिक करेंगे सिंपली। यहाँ पे रिसीविंग अकाउंट पे आपको क्या देना है, रिसीविंग अकाउंट पे आपको वजीरेक्स का ट्रॉन वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस देना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, वजीरेक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे वजीरेक्स एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे फंड पे आपको आना है, फंड के ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको TRX वॉलेट शो हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आप ऊपर सर्च का आइकन देख के सर्च भी करेंगे तो TRX आ जाएगा, तो यहाँ पे दिख जा रहा है। तो TRX पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक डिपॉजिट और एक विड्रो का, अगर क्वालिटी सही नहीं आ रहा तो क्वालिटी आप इंक्रीज कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को सही तरीके समझिए। तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे लेना है वजीरेक्स पे, तो इसलिए डिपॉजिट पे करना है। ये एक एड्रेस आपको शो हो रहा है, यहाँ पे साइड पे एक आइकन भी दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा एड्रेस कॉपीड, ठीक है। अभी आपको फिर से बैक करना है और ट्रॉनलिंक प्रो पे आना है, रिसीविंग अकाउंट पे वो एड्रेस जो अभी आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। तो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो तो जब आप रिसीविंग अकाउंट दोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है, कि आपको 0.1 TRX लगेगा आपका अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए, आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो आपको कुछ करना नहीं है, ये लिखा हुआ रहेगा, तो इसको सिंपली ऐसे ही रहने देना है। अगर आप एक से ज़्यादा बार करते हो तो वो चीज़ नहीं आएगा, ठीक है।
अभी आप जब यहाँ पे ट्रांजैक्शन करोगे तो वो जो है 0.1 TRX ऑटोमेटिकली कट जाएगा, आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा फंड ऐड नहीं करना है। अभी यहाँ पे सिलेक्ट टोकन पे आपको TRX लेने देना और अमाउंट पे आपको पहले 20 या 30 ट्रॉन जो है ट्रांसफर करके देखना, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर से आपको जो है यहाँ पे बाकी का भी करना है। तो उसके लिए आपको सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसफर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लेकर के डन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो चुका है। यहाँ पे अभी पेंडिंग शो हो रहा है, अभी कुछ सेकंड के अंदर यहाँ से देखिए डिडक्ट भी हो चुका है। ठीक है, अभी आपको ये देखने के लिए आपको जाना है आपको अपने वजीरेक्स एप्लीकेशन पे। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं तो वजीरेक्स एप्लीकेशन पे जाएंगे तो मिनिमाइज करेंगे इसको, वजीरेक्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे, बैक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो बैक करेंगे और फिर से आप जो है ट्रॉन का जो वॉलेट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग डिपॉजिट है। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप क्लिक करेंगे तो स्टेटस देख सकते हैं 20 में से 5 यहाँ पे चला जा चुका है, आ चुका है यहाँ पे, और बाकी का भी यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे जैसे रिफ्रेश करते रहेंगे आपका यहाँ पे देखिए अभी 10 हो चुका है, तो ऐसे ही आपका यहाँ पे जितने भी आपने जो यहाँ पे लिए हैं वो ट्रॉन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका जो है स्टेटस भी ऐसे करके देख सकते हैं, तो रिफ्रेश करके आपको देख लेना, जब तक TRX नहीं आ जाता है ठीक है तब तक आपको रिफ्रेश करके देख लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे 20 TRX जो है डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है, पहले अगर आ जाता है तो बाकी का जो TRX है वो भी आपको सेम प्रोसेस पे यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो बाकी का जो TRX मेरा वहाँ पे पड़ा हुआ है ट्रॉन लिंक प्रो पे, उसको भी ऐड कर लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको सेल करना है और जो INR मिलता है उसको बैंक विड्रो किस तरीके से करना है। तो अभी मैंने सेम प्रोसेस पे सारे के सारे ट्रॉन यहाँ पर एक्सचेंजर पर ला चुका हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 478 ट्रॉन हो चुका है, जो कि लगभग 1122 रुपया होता है। अभी आप इसको बैक करोगे तो ट्रॉन वॉलेट पर वो ट्रॉन शो हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको इसको सिंपली सेल करना है, सेल करने के लिए आपको मार्केट्स का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ट्रॉन सर्च करना है। अगर ट्रॉन नहीं मिलता ऊपर आप सर्च आइकन पे क्लिक करके ट्रॉन सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अभी आपको इसको सेल करना है तो सेल करने के लिए मिडिल में एक बटन दिख रहा है आपको बाय एंड सेल का, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेज आता है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, अगर क्वालिटी आपको नहीं समझ आ रहा तो क्वालिटी आप वीडियो का बढ़ा लीजिए। तो सबसे पहले आपको सेल पे लाना है, यहाँ पे बाय पे रहेगा लेकिन आपको सेल पे लाना है। देन यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है कि कितना ट्रॉन आपको सेल करना है, तो अगर आप जितना है टोटल करना चाहते हो तो आप 100% दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर दोगे तो 100% आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 478 आ चुका है और टोटल यहाँ पे मिलने वाला है 1117 रुपया। अभी आप यहाँ प्राइस से ऐसे समझिए, जो ऊपर दिख रहा है 2.355 तो आपका भी अलग दिख रहा है, जब का मतलब ये करंट प्राइस होता है ट्रॉन का वो प्राइस आपको ऊपर दिखता है और ये प्राइस आपको सेट करना होता है। ठीक है, ये प्राइस मतलब आप कौन से प्राइस पे इसको सेल करोगे, तो ये आपको मैनुअली सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे जैसे 2.3350 है तो जो भी प्राइस है वो प्राइस पे आपको रखना है या फिर उससे कम रखना है। ठीक है, ध्यान रखिए अगर उससे प्राइस से आप कम रखते हो तो ज़्यादा जल्दी सेल होता है, अगर सेम प्राइस पे रखते हो आप तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है सेल होने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है कम पे सेट कर देता हूँ, जो प्राइस वहाँ पे ऊपर पे है करंट प्राइस उससे थोड़ा सा डाउन यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.3377 ऐसा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी सेट करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जो नीचे सेल का बटन दिख रहा है, ठीक है, मतलब उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप समझ चुके होंगे किस तरीके से आपको प्राइस सेट करना है। सेट करने के बाद आपको सेल पे क्लिक कर देना है, सिंपली सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आइकन है इसको आप राइट साइड पे स्लाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से प्रेस करके, तो देखिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अभी माय ऑर्डर पे जाएंगे तो ये ऑर्डर आपको शो होगा ओपन में। ठीक है, जब ये सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ से हट के वो हिस्ट्री पे सक्सेसफुल दिखा देगा, तो अभी थोड़ा सा वेट करना। देखिए यहाँ पे हट चुका है, जो सेल किया अभी हमने वो सेल हो चुका है और यहाँ पे उसका अमाउंट जो है हमें मिल चुका है 478 ट्रॉन का। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सेल करना है, ध्यान रखें जब भी सेल करेंगे प्राइस थोड़ा लो सेट कर देंगे तो जल्दी से जल्दी आपका वो सेल हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं INR वॉलेट पर वो बैलेंस आ चुका है और ट्रॉन पे अगर आप सर्च करके देखोगे तो ट्रॉन पे जो भी बैलेंस था यहाँ पे देख सकते हैं डिडक्ट हो चुका है, 0 ट्रॉन हो चुका है। ठीक है, और जो भी ट्रॉन हमने सेल किया उसका INR पे हमें मिल चुका है, तो आपको सिंपली विड्रॉ करना है। अभी विड्रॉ करने के लिए आपको INR वॉलेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1200 जितना भी पैसा हुआ था सेल करके वो आ चुका है। अभी आपको करना क्या है, सिंपली विड्रॉ पे क्लिक करना है, विड्रॉ करने के लिए तो विड्रॉ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है,
तो देखिए विड्रो पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शन मिलता है विड्रो करने के लिए, एक इंस्टेंट विड्रॉल और एक NEFT विड्रॉल। NEFT विड्रॉल अगर करते हो यहाँ पे 5 रुपये चार्ज कटेंगे, तो ये कुछ टाइम लग सकता है, 2-3 घंटा भी लग सकता है आपके बैंक अकाउंट पे आने के लिए। लेकिन अगर इंस्टेंट विड्रॉ करते हो तो 10 रुपये चार्ज कटेंगे, लेकिन ये इंस्टेंट लगभग आ जाता है 2-3 मिनट के अंदर ही। तो आपको मैं यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉ करके दिखाता हूँ। 10 रुपये चार्ज कटेगा, सबसे पहले ऊपर आपको बैंक डिटेल शो हो जाएगा आपका खुद का, वो मैच कर लेना। यहाँ पे आपको INR अमाउंट पे जो है यहाँ पे देना है कितना अमाउंट आप करना चाहते हो। तो अगर जितना है उतना कर लोगे तो विड्रॉ ऑल पे क्लिक करोगे तो जितना है आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आप मैनुअली भी यहाँ इसको फिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1200 दे देता हूँ और रिमार्क पे आपको कुछ लिख देना है, तो यहाँ पे मैं OSM लिख देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। विड्रॉ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्मेशन आ चुका है कि 10 रुपये चार्ज काटा जाएगा और 1190 रुपये आपके बैंक पर आ जाएगा। तो आपको सिंपली कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, वो OTP को दे करके सिंपली ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंट आ चुका है ये OTP। आने के बाद ऑथेंटिकेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रूवल ईमेल सेंड, मतलब ओके कर देंगे इसको। जो अभी आपने विड्रॉ किया उसके लिए एक मेल आया हुआ है, मेल से जाकर के आप अप्रूव करेंगे तो ये सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग है, तो इसी के लिए आपको करना क्या है, मेल ओपन कर लेना है। सिंपली अपना ईमेल आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंफर्मेशन मैसेज आ चुका है वजीरेस की तरफ से, इसको आपको क्लिक करना है। एंड नीचे पे आपको जाकर के अप्रूव दिस विड्रॉल पे क्लिक करना है एंड क्रोम से इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर ये देखोगे आप कि आपका जो है विड्रॉल वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो विड्रॉल हमने किया वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। अभी आपको वजीरेस पे ला करके मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे जो पेंडिंग पे था उसको अगर रिफ्रेश करते हो तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग पर चला गया है। ये 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपका बैंक अकाउंट पर आ जाता है। यहाँ पे ऊपर आप टाइम देख लो, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि कितने टाइम के अंदर आपके बैंक पर भी आ जाता है अगर आप इंस्टेंट विड्रॉल करते हो। तो यहां पे देखिए 10:23 टाइम हो रहा है, ठीक है, आप यहां पे टाइम मैच कर लो। और अभी मैं आप लोगों को जो है बैंक अकाउंट अपना ओपन करके दिखा देता हूं कि आया भी है या नहीं। बूम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:24 यानी कि 1 मिनट के अंदर ही ये जो बैलेंस मैंने विड्रॉ किया वो अभी यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है मेरे बैंक अकाउंट पर। ठीक है, देखा आपने कितना आसान तरीके से मैंने भी इसको विड्रॉ कर लिया और अपने बैंक पर भी ये आ चुका है। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप लोगों को लाइव दिखा दिया। गाइस पहले पहले ये जो प्रोसेस आपको भी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे करते रहोगे, 1-2 बार 3 बार करोगे तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो भी इनकम आपने किया है उसको विड्रॉ करके आप अपने बैंक अकाउंट पर ला सकते हो। ठीक है, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से आपको ट्रॉनलिंग प्रोसेस ट्रॉन को अपने जो है वजीरेक्स एक्सचेंजर पे लाके उसको सेल करके बैंक विड्रॉ करना है। ठीक है गाइज, अभी मैं आप लोगों को एक बता दूं कि कौन सा एक्सचेंजर आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप यहाँ पे विड्रॉ लेना चाहते हो। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ आपको तो यहाँ पे अगर देखिए अगर आपका इनकम 1000 से ज़्यादा होता है तो आप चाहो तो वजीरेक्स पर भी ले सकते हो, कॉइनसेंस पर भी ले सकते हो। लेकिन अगर 1000 से कम आपका इनकम होता है, अगर उसको आप विड्रॉ करते हो, मतलब लगभग अगर $10 विड्रॉ करते हो, तो उसके लिए आपको कॉइनस्विच एप्लीकेशन ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वजीरेक्स पर जो है मिनिमम विड्रॉल जो है वो 1000 रुपया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो जैसे आपका कंडीशन है उसको आपको फॉलो करके आप यहाँ पे कोई सा भी एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉइनस्विच एक्सचेंजर यूज करना और भी आसान है, तो वहाँ पे इतना जो सेल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। वो वीडियो आप भी जाके आप डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उसको आप देखो तो आप जो कॉइनस्विच का भी सही तरीके से प्रोसेस समझ जाओगे और उसको अकाउंट क्रिएट करना और भी ज़्यादा आसान है। वहाँ पे KYC वगैरह कुछ आपको करने का लिए जो है टाइम वेट नहीं करना होता है। ठीक है, मतलब 2-5 मिनट के अंदर KYC भी सक्सेस हो जाता है और उसी दिन से आप जो है वहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास वजीरेक्स एप्लीकेशन है इंस्टॉल तो आप कॉइन स्विच भी कर लो वीडियो को देख करके। ठीक है, और जो है ये दोनों में से कोई भी एक्सचेंजर आप यूज़ कर सकते हो इजीली विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि दोनों का प्रोसेस मैंने दिखा दिया हूँ। तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके देख भी सकते हैं विड्रॉ का प्रोसेस। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने टीम के हर एक मेंबर के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग यहाँ पे वजीरेक्स से विड्रॉ करना चाहता है या फिर OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से विड्रॉ अपने बैंक पे लेना चाहता है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट आपसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।